ये सालों का कैसा है। सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट के बारे में समझेंगे। एक ये स्क्रीनशॉट और एक ये स्क्रीनशॉट हमने क्रिप्टो सिखाना शुरू की है तो काफी ज्यादा मैसेज आते हैं कि भाई इन स्क्रीनशॉट्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इन स्क्रीनशॉट्स की कहानी समझेंगे, उसके बाद मैं आज आपको बाइनेंस का अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप बाइनेंस के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो और कैसे आप बाइनेंस के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इन स्क्रीनशॉट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो एक एआरबी कॉइन, एआरबी टोकन की जो है वो यहाँ पे ट्रेड जो है वो स्क्रीनशॉट के अंदर लगी हुई है, जो कि बीस एक्स पे, इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो है वो उधार लेते हो किसी भी एक्सचेंज से, तो यहाँ पे बीस एक्स जो है वो उधार लिया गया। और उसके बाद आपको बता रहा है पीएनएल, पीएनएल होता है प्रॉफिट एंड लॉस यूएसडीटी में, यहाँ पे 1122 जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। अगर के ग्रीन में हो तो इसका मतलब ये प्रॉफिट में चल रहा है, अगर ये माइनस में हो, रेड में हो, तो इसका मतलब लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे $1122 जो है वो प्रॉफिट बना चुकी है अभी तक ये ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे 22% जो है वो तकरीबन जो है वो प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन आता है कि $5,000 आपने लगाए हुए हैं, $5,000 जिसकी भी आप स्क्रीनशॉट देखो उसका मतलब उसने $5,000 जो है वो लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आया था साइज के, टोटल साइज क्या, $5,000 को 20x से आप मल्टीप्लाई कर दो, $5,000 × 20 तो तकरीबन आपको $1,00,000 जो है वो बन जाता। तो $1,00,000 की भी ट्रेड चल रही है। बंदे के पास $5,000 था, बंदे ने बाकी जो है वो बाइनेंस से उधार लिया, $95,000 बाइनेंस से उधार लिया 20x करके, तो उसका साइज टोटल हो गया $1,00,000 का। वो $1,00,000 के साथ ट्रेड कर रहा है और $1,00,000 के ऊपर उसने $1,122 बना लिए, जो कि उसके अपने। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर आप सिर्फ बाइनेंस से लीवरेज ले रहे हो और उसके ऊपर जो अपनी ट्रेड कर रहे हो, तो इंटरेस्ट की कहानी यहाँ पे नहीं है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कहानी नहीं है। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज इस साइड पे आपको नजर आ रही है, लिक्विडिटी प्राइस यूएसडीटी में जो कि 1.10 है। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉइन या टोकन इस प्राइस के ऊपर आ गया तो कहानी खत्म, टाटा गुड बाय, आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टीपी स्टॉप लॉस, ये क्या होता है इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एंट्री प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। तो ये है ये स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो लीवरेज एडजस्ट भी कर सकते हो और ये सारी चीज। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरे स्क्रीनशॉट पे जाएं, आपको ये भी स्क्रीनशॉट नजर आता है और अक्सर आपको ये वाला स्क्रीनशॉट भी नजर आता है, तो इसके अंदर ये जो है ये बाइनेंस फ्यूचर्स का ऊपर आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर की ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग की गई है। लॉन्ग का मतलब होता है कि अगर आप जो है वो अगर आपको लगता है कि कॉइन पंप करेगा ऊपर जाएगा तब आप लॉन्ग करते हो, अगर आपको लगता है कि कॉइन नीचे जाएगा डंप करेगा तब आप शॉर्ट करते हो। तो लॉन्ग की ट्रेड है, 125x जो है वो यहाँ पे जो है वो लीवरेज ली गई है बाइनेंस से, बीटीसी के ऊपर ये जो है वो चला है। उसके बाद 172% गेन किया है इस जो है वो ट्रेड ने। उसके बाद ये एंट्री प्राइस थी, ये लास्ट प्राइस थी। अच्छा, ये है ये सारा जो है वो इन स्क्रीनशॉट्स की कहानी। उस पर मैंने आपको बता दिया कि ये मेन चीज होती है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये, और ये अनरियलाइज पीएनएल है, मतलब ये अभी तक बंदे का हुआ नहीं है। जब तक ये ट्रेड बंद नहीं करेगा तब तक ये बंदे का होगा नहीं। एक होता है अनरियलाइज्ड, ये अनरियलाइज्ड। एक होता है रियलाइज्ड, जो कि बंदे ने बुक कर लिया है, जो कि ट्रेड बंद करने के बाद, अब यहां से ये ट्रेड माइनस में भी जा सकती है। ये स्क्रीनशॉट्स के अंदर पैसे तो बड़े दिखाते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिखाया जाता है या बताया जाता है। और अक्सर लोग जो है वो ऐसे स्क्रीनशॉट्स देख के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसे डुबा लेते हैं, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस भी होता है, लॉस के स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन लॉस किस केस में होता है, लालच के केस में। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $1,122 बन गए और आपको नहीं ये $11,000 बनाएगा, $11,000 बनाएगा और आप ट्रेड बंद नहीं करते, ट्रेड माइनस में चली जाए, तो आपका लॉस हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो हम इस कोर्स में आगे आगे सीखेंगे कि कैसे हमने जो है लॉस से बचना है और कैसे जो है वो हमने पैसे बनाने। ये रातों रात आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, ये आप अपना जेन में रखें। फॉर एग्जांपल $1,122 बन गए, $1,122 निकालें, याशी करें, उसको कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको जो है वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, इस तरह की एक ट्रेड में जो है वो आपको $1,100-1,200 $2,000-3,000 दे देता है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अगले कोर्स में सीखेंगे। तो भी सीखते बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बाइनेंस का अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। और पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसे इन्वेस्ट तभी करने जब मैं बोलूंगा। और $100 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने, $10 से लेकर $100, अगर आपका $10 है तो आप $10 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके $100 है तो आप $100 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। ये सारी चीजें मैं आपको एजुकेशनल पर्पजेस के लिए दे रहा हूँ और आपका इंशाल्लाह आप भी जो है वो एक दिन ट्रेडिंग सीखेंगे और एक दिन ट्रेडिंग से मिले में बनेंगे। तो सबसे पहले हम binance.com खोल लेते हैं। अच्छा, बाइनेंस के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाना है तो मैं आपको जो है वो एक रेफरल कोड दे दूंगा, रेफरल कोड जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी जाके आप अपना बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं। उसके ऊपर क्या होगा कि आपको जो है वो 100 USD तक फीस में जो है वो रिबेट मिल जाएगी
और आपको जो है वो फायदा ही है आपका, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हो आप डायरेक्ट binance.com से जाके भी आप अपना जो अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर के पे क्लिक करते हैं। आपको रजिस्टर सेम ऐसी फोन ऐप भी है, आप इसको जो है वो डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो, आप फोन ऐप डाउनलोड करके उस पर बना सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जो है वो मैं जो वो है डिफरेंट यूट्यूबर्स की तरह आपको जो है वो यहाँ पे कोई जो है वो इतनी बड़ी लंबी वीडियो नहीं बना दूंगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। साइन अप विद ईमेल और फोन, यहाँ पे आपने अपना ईमेल डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। ये मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही जो है वो डाल देता हूँ ताकि हम इसको आगे लेके जाएं, और आगे जाके मैं आपको दिखाऊं कि क्या आगे जो है वो होने वाला। उसके बाद ये सारी चीजें आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपने डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद ये आप ईमेल के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन कोड गया, ईमेल से वेरिफिकेशन कोड लेंगे। वेरिफिकेशन कोड लेने के बाद आगे जो है वो आपसे वो आपका आईडी कार्ड मांगेगा, आपने अपना आईडी कार्ड देना है, और आईडी कार्ड देने के बाद आपका बाइनेंस का अकाउंट बन गया। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं भी जो है वो बनाने को मैं भी बना भी सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा काफी ज्यादा वेस्ट होगा। सेम ऐसे ही जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, सेम ऐसे ही अक्सर लोग हम फेसबुक के ऊपर जब हम ट्रांसफर वाइज की बात करते हैं तो कहते हैं ट्रांसफर वाइज कैसे बनाया जाता है। ट्रांसफर वाइज बिल्कुल आसान है बनाना, आप जाके एक बार चेक तो करें। ईमेल के ऊपर कोड जाएगा, ईमेल के ऊपर कोड जाने के बाद आगे आपसे कुछ आपसे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने वो देनी है, और उसके बाद जो आपका फाइनेंस का अकाउंट बन जाएगा। फाइनेंस का अकाउंट बन गया, बनने के बाद अब इसके अंदर पैसे कैसे डिपॉजिट करने और विदड्रॉ कैसे करने, डायरेक्ट पॉइंट की बात के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो ये हमारा बाइनेंस का अकाउंट है और यहाँ पे हमने वेरीफाइड है। वेरीफाई आप कैसे होते हो, अपना आईडी कार्ड दिखा के, आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हो तो आप वेरीफाई हो जाते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको डैशबोर्ड, सिक्योरिटी, पेमेंट, रेफरल, रिवॉर्ड सेंटर, एक बाइनेंस के अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, और आपको बाइनेंस जो है वो जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको इंशाल्लाह पूरे बाइनेंस की समझ आ जाएगी। तो बाइनेंस के अंदर पैसे डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाने के बाद ये ट्रेड ट्रेड के अंदर आपको पी टू पी नजर आता है। यहाँ से आप पी टू पी जो है वो पी टू पी में चले जाते हो, या तो आप पी टू पी में चले जाते हो, या आप अगर फोन में यूज करें तो फोन में एक फंडिंग होता है, फंडिंग फंडिंग का स्क्रीन शॉट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, फंडिंग के अंदर होता है पी टू पी, पी टू पी आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर आपने जो है वो बाय करने हैं तो यहाँ पे आपको बाय मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेल मिल जाता है। यहाँ से हमने यूएसडीटी बाय करने, और आप जो है वो अगर बाइनेंस के वेरीफाइड मर्चेंट से बाय करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होगा, और आप जो है इजीली अपनी ट्रेड कर लेंगे। तो हम फिल्टर से जाते हैं, फिल्टर से जाने के बाद ओनली शो मर्चेंट एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मर्चेंट एड जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जो है वो आपको जो है वो जितने भी यूएसडीटी परचेज करने, क्योंकि यहाँ पे सारी आपने ट्रेडिंग जो है वो यूएसडीटी से करनी है, यूएसडीटी ले के बाकी सारी ट्रेडिंग जो है उसके ऊपर करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस भाई साहब ने रेट दिया 295, फिर 295.14। अच्छा, सबसे कम रेट जो है वो 295 का, और ये इसके पास कितने अवेलेबल हैं, इसके पास 1674 अवेलेबल हैं, और ये मिनिमम 1 लाख रुपए के देगा। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, तो यहाँ से आप जो है वो 50,000 वाला भी है यहाँ पे हमारे पास ट्रेड है, और उसके बाद आपके पास अगर इससे भी कम पैसे हैं तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर आप जितने चाहे जो है वो यूएसडीटी खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आपने ये देखने की लिमिट मिनिमम कौन सी है, मिनिमम कितने देर और मैक्सिमम कितने देर है, और इससे आपको जो है वो आइडिया होगा कि अच्छा ये वाले हमारे पास आगे 30,000 मिनिमम दे रहा है, 50,000 मैक्सिमम दे रहा है, इसके पास 180 USDT है। अगर हमने ये परचेज करना है तो आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका बैंक अकाउंट आएगा, आपने इसके बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके साथ चैट करनी है, चैट करने के बाद इसको जो स्क्रीन शॉट भेजना है, स्क्रीन शॉट भेजने के बाद ये आपका यूएसडीटी रिलीज कर देगा। इसमें किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं होता, वेरीफाइड मर्चेंट के साथ अगर आप काम करेंगे किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो ऐसे ही आपके अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं फंडिंग वॉलेट के अंदर, आप इधर सेल के ऊपर आते हो, इधर आपने बाय देखे, इधर आप सेल के ऊपर आते हो। सेल के ऊपर आने के बाद ऐसे ही जो है वो आप जो है वो यहाँ से देखते हो कि कितने जो है वो आपने सेल कर दें, और आप मिजान बैंक, बैंक ट्रांसफर, आपने बैंक भी अपना बाइनेंस के साथ कनेक्ट करना है। आप जैसे ही सेल पे आओगे तो वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा आपका बाइनेंस के साथ बैंक अकाउंट अटैच करने का, और आपके अपने नाम पे ही होना चाहिए बैंक अकाउंट। अगर आपके अपने नाम पे नहीं होगा तो बाइनेंस आपको पैसे नहीं भेजेगा। तो यहाँ भी ये भी सारे वेरीफाइड मेंशन है। सेल करने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 1,000 USDT पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से जाके इस बंदे को जो है वो सेल करते हो। सेल करने के बाद आप जो है वो सबसे पहले अकाउंट के अंदर पैसे लेते हो, आपने जो बैंक अकाउंट दिया होता है, बंदा आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजता है, उसके बाद आप यूएसडीटी उसको रिलीज करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप किसी किस्म का स्कैम करने की कोशिश करोगे तो बाइनेंस आपका अकाउंट भी फ्रीज कर देगा, आपके अकाउंट से सारे पैसे भी निकाल लेगा, और ये सारी चीज़ें तो स्कैम करने की कोशिश नहीं करनी। बाकी आप जो है वो जैसे मर्जी उसके ऊपर काम करो, ये तरीका पैसे डिपॉजिट करने का और विदड्रॉ करने का। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो भी हमने सीखनी है स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, लाइव करेंगे, लाइव स्पॉट ट्रेडिंग भी करेंगे, लाइव फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, और आपको सिखाऊंगा कि
ट्रेडिंग जो है वो कैसे की जाती है, और ये तो बेसिक स्टेप्स हैं। अभी हमने बाइनेंस ऐप को पूरी तरह सीखना भी है, बाइनेंस ऐप को पूरी तरह सीखना है, उसके बाद चार्ट्स को सीखना है, इंडिकेटर्स यूज करने हैं, उसके बाद आगे और भी काफी ज्यादा चीजें जो हमने इस ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर सीखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। बाइनेंस का अकाउंट बना लें ताकि आप जो है वो जैसे जैसे हम आगे जाते जाए वैसे वैसे आप जो है वो हमारे साथ ट्रेडिंग करते जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ख्याल रखना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।